हमारी बात हो रही है तो ये आगे से रो रही है। क्यों शायसा? चलो बात करना, बात करनी तो उसके साथ हंस रही थी, मेरे साथ रोना शुरू कर दिया है। आपके साथ दिलों का रोना बोलती नहीं, बस वैसे नहीं, मैंने कहा उसके साथ हंस हंस के बातें कर रही थी तो मेरी बात सुनकर रोना शुरू कर दिया। अपनी तरफ करो क्या? अच्छा, चौधरी साहब के साथ आपकी लड़ाई होती रहती है? चौधरी साहब के साथ कब नहीं होती? चौधरी साहब तो ऐसे ही बस लड़ाइयां करते रहते हैं। किधर अभी किस आप है? किधर? आपने मेरी टेंशन नहीं देखी है ना, मैं किस परेशानी में? अभी किधर हो? अच्छा, हम भी इधर ही आए हुए इस्लामाबाद में, तो अभी मैं आने लगी थी, मैंने अभी आने लगे थी, मैंने कहा देखू घर में या नहीं, तो उसको कहती इधर आ जाए। आज आज मैं करती। चलो सही, मैंने कहा देख लो, बोलो कि घर पे ना हो, वो रान का गान पहुंची हो तो हम उधर चले जाएं। नहीं नहीं, आप उधर से कल वापस आए। अच्छा चलो सही, ठीक है फिर इंशाल्लाह मिल के गिले शिकवे रोने रोने फिर करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं आज हम 4 महीने बाद किसके पास। अस्सलाम वालेकुम, मुझे नहीं पहचानते, भूल गए? भूल गए, पहचान लेंगे पहचान लेंगे। आज बाजी इस्लामाबाद आई तो भी मेरी तरफ आई, तो अभी जो बैठे हैं हम लोग अपनी गप शप टप जो भी होती वो हम कर रहे हैं सारे। अम्मी है, दरअसल है, बाजी है, बाजी के साथ और भी मेहमान है, तो वीडियो वाले हम ही है बस। मैंने तो एक बात भी नहीं ना अपने विवाद को बताई, एक दिन जो हमारे जमीनों के रफड़े थे ना, जमीनों के जब रफड़े थे ना, उस वक्त उधर इतना लड़ाई रोले में इतने वो असला था उन लोगों के पास भी, हमारे बंदों के पास भी, तो यकीन करो मैंने तो बिल्कुल खामोशी जो है ना वो कर ली। मैंने तो स्टेटस तक भी नहीं लगाया, मैंने कहा कि ये जो है ना बस फिर वो थोड़ी सी प्राइवेसी भी फिर लीक होती थी इसलिए। हाँ जी, और कुछ मामलात थे जमीन के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन सब क्लियर हो गए। हाँ जी, कुछ लोग तो झाक लगा के बैठे ही रहे कि असी लेनी, पर बाजी ने नहीं। असल ये होता है ना कि जिस इंसान की मेहनत होती है ना, हकीकत ये है कि जिसका हक होता है ना, बेशक कोई दो नंबरी जैसे मर्जी करता रहे, हक वाले को हक मिलता है। यकीन करो जिस दिन रात को ना मुझे शाम को पता चला कि हमारे ना आज उन लोगों ने जमीन का कब्जा कर लेना, कब्जा कर लेना, तो वो लोग ना हमारे उधर कोई भी नहीं था। हाँ। तो मैं कहने लगी लड़की, मैंने कहा कि आपने बिल्कुल जो है ना, अगर रात को ये वाकया हो गया ना कब्जे वाला, तो आपने बिल्कुल नहीं ली वो हमारे दो लड़के थे उधर, मैंने कहा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जो है ना आगे से बात नहीं करनी, खामोशी से अंदर चले जाना है। तो क्या हुआ, रात के 3 बजे तो वो 35 लोग आ गए। अच्छा, 35 लोगों ने आके दो ट्रैक्टर लाए, लगा के उन लोगों ने जमीन में हल करके ना, तो वो गंदम करके ना, तो चले गए पैक। तो सुबह जब हुई ना, सुबह 5 बजे फोन आया कि ऐसे रात को हो गए, मुझे तो पहले ही पता चल गया था, वरना रात को जो ये वाकया हुआ, सुबह फिर हमने ये जब बात शुरू की, मैंने कहा क्या करें, तो फिर मैंने भी बंदे भेज दिए ना उधर कसूर से ही, काफी लोग थी जो ना हमारी उन लोगों ने फिर हेल्प की। कुछ लोग होते हैं भी कोई लालच के साथ जाते हैं, हमारे ऐसे कोई भी नहीं, लालच नहीं उन लोगों ने किया, ऐसे जाने वाले थी
मैंने कहा कि आप लोगों ने उधर जाना थोड़ा सा ना प्रेशर डालने के लिए। जब गए उधर तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे, फिर वो कहते कि हमारी तो आन का मसला बन गया, हमने तो ऐसे जाने नहीं जितनी देर तक ये कब्जा नहीं करेंगे, फैसला ना हो। मैं कहूँगी आप लोग लड़ाई ना करना, कोई ऐसे बात ना करना, वो भी ऐसे फायरिंग तो करते थे लड़के, ये हमारे लिए जूस आ गया, चलो जूस ना ना साथ साथ हम जूस भी लेंगे। तो ऐसे हमारा ना चार पांच दिन जो है ना ऐसे ही हो रहा था कि जैसे पता नहीं आज कोई मार दो आप लोग फोन कर रहे थे कि मैं कहती थोड़ी देर बाद मैं करती हूँ, कुछ इतनी मुश्किलों में गुजर रही थी, इतनी मुश्किलों में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना जिगर और दिल दिया हुआ है, जो बर्दाश्त जो करते हैं हमारे साथ, पता क्या और क्या हुआ मसला, जो कसूर वाला खा रहे 35 साल हो गया हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई। अच्छा 35 साल से ऐसे ही रखा हुआ, ऐसे ही रखा हुआ था, तो मसले से मसले निकले आ रहे थे, एक हमारा खत्म नहीं होता दूसरा शुरू था। उस बंदे ने क्या किया कि उस वक्त मैंने लिया था वो 7,000 का मरला था। अच्छा उसका 50,000 रुपया देना था। अच्छा। वो दिया नहीं, मेरे भी जेहन में बात निकल गई कि आगे हमने रजिस्ट्री करानी थी, मेरे भी जेहन से ये बात ही नहीं आई रजिस्ट्री कराने। हाँ। जब ये 35 साल बाद उस बंदे ने बोला कि रजिस्ट्री करानी है कि आपने देना है। अच्छा। मैंने उसी वक्त मैंने कहा पता नहीं कई बच्चों ने करा ली होगी। हाँ जी। वो भी ना हुआ, क्या हुआ कि यकदम ही फिर उसने कहा कि अभी मैंने जो अभी रेट ना जमीन का मैं वो लेना है, तो उसने रफड़ा डाल दिया। अच्छा। फिर उसको पैसे वो दे के फिर वो अभी उसकी रजिस्ट्री नहीं, फिर नवे रेट दे पैसे देते बस इतने दिए नहीं थे, उसने 30 लाख मांगा था, फिर उसको काम करके दे के और रजिस्ट्री उसकी कराई। जमीन का मसला वो थोड़ा सा हल किया तो साथ ही हमारे ये शुरू हो गया, फिर इधर इस्लामाबाद वाला, यानी कि मसले पे मसला ऐसा हो गया था कि मैं ना तो लोग तो मैंने क्या बनाना था, मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं किसी के साथ बात करूं, इसीलिए महीना दो महीने दिल ही नहीं करता लोग बनाने से ना बात करने पे, कोई बात करता था मैं कहती छोड़ो इसकी, इसके साथ भी मैंने बात नहीं करी क्योंकि मेरा अपना मूड ठीक नहीं। जाहिर इंसान रिलैक्स हो, उसके दिमाग से टेंशन निकले तो किसी से बात करे, बात करे। जब दिमाग उसका अपनी जगह पर ना हो, उसको परेशानी में परेशानी, अब आपका करोड़ रुपए का घर है और उसने कहा कि मुझे 30 लाख और दो तो रजिस्ट्री करूंगा, 50,000 के पीछे उसने 30 लाख मांग लिया, देखे ना लोगों का भी दीन ईमान सही नहीं। अगर उस वक्त उसने फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा चाचा तुमने भी मर जाना है, अच्छे ना करो, बोला कि बाजी मैंने कितनी बार कहा रजिस्ट्री करो, आप लोगों ने करवाई थी। फिर बहरहाल उसको करके कोई 15-16 लाख रुपया उसको दिया, कोई उसके ऊपर रजिस्ट्री भी 6-7 लगा, 20-22 फिर भी लग गया, भी क्लियर हो गया वो अलहमदुल्ला उसकी रजिस्ट्री। फिर कौन सा फरजाना वाला या परनानी वाला, दोनों की होने वाली थी फरजाना वाला। अच्छा वो दोनों एक, वो अभी जो है ना एक रह गया तो वो बंदे के नाम पे अभी आ रही ना, ये हमने करवाया अभी। अच्छा वो क्लियर हुआ, पर अलहमदुल्ला ऐसे ही परेशानियां आती हैं चली जाती हैं, तो जिंदगी का नाम ही ये है कि परेशानियां आना जाना। जब आप आज मैंने फोन किया तो आप रोई हो ना, मैंने कहा अगर तुम मेरे साथ होती ना, मेरे साथ तुम होती ना यकीन करो तो तुमने कानों में उंगलियां देके चुप करके आना था कि मैं तो रान का गान जा रही हूँ। नहीं मैंने इतनी परेशानी देना था, कोई ना कोई मसले का हल तो निकालना ही था, ऐसे नहीं मैंने आपको छोड़ना था कुछ ना कुछ, चलो और कुछ नहीं, मैं आपको जहाँ जहाँ मसले थे वहां गाड़ी में बैठा के लेके जाती फिर वापस लेके आती, ड्राइवर तो मैं होता ना आपके, नहीं बहुत ही यकीन करो बहुत, ये जो ना 2-3 महीने सब हल हो गए, वरना ये है कि दो ये जो 11वां महीना आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ये मसले जो हल किए हैं ना, ये बड़ी दिलेरी से और बहादुरी से किए हैं, यानी जमीन का भी जो भी सच्चा जैसे ये गुजरा है ना प्लाट का, ऐसे मैंने जमीन का किया। तो फिर ऐसे रात के 1 बजे एक बंदे का उधर, हमारे बंदे भी रेडी हो गए लड़ाई कराने के लिए, तो वो दूसरे पार्टी भी आ गई, एक बंदे ने मुझे फोन कर दिया। अच्छा। कहता है कि बाजी लड़ाई बंद कराओ,
तो कहता है कि कोई ना कोई हादसा हो गया तो ये जमीने इधर ही रह जाए। तो मैंने कहा चलो खैर, उस टाइम दो तीन गाड़ियां हमारी उधर पुलिस की भी आई थी। अच्छा। रेट उन लोगों के ऊपर किया। फिर वो बंदों को सुबह हमने बुला लिया, वो गांव से बंदे आ गए, कहते सुबह हम आ जाते हैं। मैंने कहा जो घर में, फिर वो आए उन लोगों के साथ बातें हुई, ये लेने देने की जो सारा कुछ ऐसे करके, कि उसने फिर कहा कि हम भी ऐसे लालच में आ गए। चार पांच गांव थी, उन लोगों ने कहा कि वो लोग आके आए आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, हम पांच पांच भी बंदे होंगे तो 25 बंदे बनते हैं। तो कहते हैं क्यों नहीं दिलेरी से इन लोगों के साथ लड़ाई करते। पर अल्लाह का शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने लड़ाई के बगैर मसला हल हो गया। लड़ाई के बगैर हो अपने व्यूअर्स के साथ फिर आराम से बैठ के ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी परेशानियों में। तो इसलिए ये बेचारी आज रो रही थी कि मेरी तो फोन पे बात ही नहीं सुन रही, बड़ी बहन है। मैंने इतनी बार बात करना चाह रही थी, बात क्यों नहीं कर रही थी? तो क्या फिर बता रही कितने परेशानियां इतने मसले। मैंने कहा मुझे बता ना, चलो मेरे साथ शेयर करती, थोड़ा दिल का बोझ हल्का होता, कोई अच्छा बुरा मशवरा देती, मैं लाहौर आ जाती, कोई मसला नहीं था। लेकिन तो कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब मसले जो है क्लियर हो गए। थोड़ी सी बंदे को दलेरी रखनी चाहिए, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि बंदे कभी कभी इंसान ऐसा थक जाता है ना, सही इतनी बातों में इतने में ये कार करके, कभी कभी फिर दलेरी करती हूँ कि ये काम जो ऐसे खत्म कर, बस आके ये मुश्किलें साफ करे, मजीद कोई मुश्किल ना आए। चलो ये जितनी देर तक जिंदगी है ना, मेरे सामने ऐसे है कि ये मुश्किलें आती जाती, काम लगी रहती है, कुछ ही काम लगी। कोई बंदे का किसी को साथ बात कर लो ना, कोई ना कोई टेंशन लाजमी किसी के पास किसी को ज्यादा किसी परेशानी में मुतला है, कोई ना कोई किसी को कम है किसी को ज्यादा है, हर बंदे को कोई ना कोई टेंशन है। बहरहाल जितना को कहते हैं कि अल्लाह ताला उतनी तकलीफ देता है जितना बंदा इंसान बर्दाश्त कर देता है, यही एक अल्लाह अपने में रखे जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो बर्दाश्त जो है ना कर लेते हैं, जब कोई बात होती है तो फिर कर लेते हैं बर्दाश्त। चलो अभी रिलैक्स होके फ्री हो गए, अब रुकोगे ना? नहीं क्या ये क्या बात हुई, सुबह चले जाएंगे ऐसे। क्यों आज ही चले जाना था वापस? आलू की फसल आने वाली है कुछ घर में, आलू का नाम ना लो पहले ही छेड़ है आपकी आलू। अच्छा दो तीन बंदे को यही कहते हैं आलू पकड़ के फिर अच्छी सैर कर जा फिर सैर करने जाएंगे। अभी बाजी ने व्लॉग में आलू बोल दिए नहीं जाने को, हम सुबह भी जा सकते हैं। भाई और चौधरी साहब कहते हैं आलू आलू, ये बात नहीं, असल में बात ये है कि थोड़े से बच्चे फिर वो फोन करते हैं कि रात की आदत है कि पूछेगा अम्मी ये इस रेट पे जा रहे हैं, इस रेट पे जा रहे हैं, फिर कोई ऐसे जगह होती है जिधर फोन ही नहीं चलता। हाँ ये मसला, और ये नहीं है कि वो आलू के पैसे देने हैं तो मैंने जाना है, तो कब वो क्लियर होने हैं? वो अभी शुरू करेंगे मेरे पास 10-12 तारीख को ना। अच्छा लोगों ने काम शुरू खुदाई आलू शुरू हो जाए। मामा बोलो बोलो चलो ऐसे डाल लेंगे। क्या शॉपिंग करके आए हैं? हम आए हैं सामान में, ये तो आप देख ही रहे होंगे, तो हमने लिए कुछ शर्ट जिनके इतनी महंगी नहीं मिली, अच्छे रेट में मिली है। ऑफ चल रहा था? हाँ जी ऑफ चल रहा था, पैसे जितने बड़े मॉल पे आए तो पैसे न्यू मॉल था। तो अभी हम चलते हैं सूप पीने क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी घूम घूम के, अभी हम पियेंगे सूप। बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है देखो। चलें अभी हम आ गए हैं टैटू पे सूप पीने के लिए। मामा मेरा सूप आ गया, बड़ा ये ब्रेड के अंदर है क्या सूप, जरा खोलें।
क्रीमी है, वो हॉट एंड सॉर है। हाउ नाइस। ये तो ऐसे ही आ गया जैसे। कैसा लग रहा है इसका टेस्ट मामा? ये जो है ये स्पाइसी है। ये भी स्पाइसी है? नहीं ये क्रीमी है। स्पाइसी नहीं है? दिस इज नॉट स्पाइसी। यस है, मजे का लग रहा है ना। क्रीमी पर है अच्छा ब्रेड के साथ। इसका भी टेस्ट देखते हैं। कमेंट्स प्लीज। सही बोल रहे हो, मजा नहीं आया। चीज भी नहीं अच्छी लगी क्योंकि आप देसी औरत हो। आपको कह रही थी कि जाके मुझे एक रोटी बस घर में बना दो, तो वो मैंने कहा है। मम्मा सही टिपिकल देसी औरत है। ये फूल कौन खाएगा? कोई चीज का मजा नहीं आया। चलो म्यूजिक का तो मजा आया ना। हाँ तो व्यूअर्स, हम पहुँच गए हैं जैसे सूप वगैरह सारा कुछ खा पी के घर पहुँच गए। इसके साथ मैं ब्लॉग का भी एंड करूँगी। टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, अभी सोने का भी टाइम हो गया है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आप ज़रूर देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो कमेंट्स में भी बताना कैसा लगा हमारा ये इस्लामाबाद आना, ये भी बुक 4 महीने के बाद मिलना ये भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।